Hi guys, welcome back to my channel again. This is Mianna here. So guys, I am super excited. This is my day 3 here in Mizoram. Yeah, तो दूर जाके चबाओ ना. It's coming here ASMR. Pork skin. I'm doing my intro. Okay. Yeah, so what I was saying, अभी मैं और तिया हम दोनों निकल रहे हैं यहाँ से होमस्टे से. हम लोग निकल रहे हैं फ्रॉम चाकलांग टू चंपाई. हम लोग ने सुमो बुक किया एंड थैंक्स टू माई फ्रेंड अपोई. ओ माई गॉड, इफ शी वॉजंट हियर ना मेरा बहुत हालत खराब होता. आई वॉज रियली लाइक फेसिंग प्रॉब्लम्स बुकिंग टैक्सी, बुकिंग हियर, बुकिंग सुमो, बुकिंग लॉज एंड ऑल, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा है. यहाँ पे लोग हिंदी और इंग्लिश बहुत कम बोलते हैं. मोस्टली टैक्सी ड्राइवर्स एंड जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, दुकान के वेंडर्स होते हैं, दे रेयरली स्पीक दिस लैंग्वेज. तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा होता है. तो माई फ्रेंड शी अरेंज एवरीथिंग फॉर मी. सो शाउट आउट टू माई फ्रेंड अपोई. वी बीन फ्रेंड्स सिंस my high school time, so finally I met her. Last video में आप लोग ने देखा होगा. So yeah, अभी शाम के बज रहे 6:30. अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ और it will take us like 4 to 6 hours. So this is Tia, उसका OOTD. ऐसा लग रहा है वो तवांग से आया है, पता नहीं क्यों. But this is I think Monpa. Oh, that's why Sikkim also na. Sikkim people also. That's why. Yeah. And he bought it from here, na. Yeah. And उसका टोपी so cute. हिमाचल ना. So OOTD. Ready for sumo ride and hamara luggage hai, ye do luggage, that's my bag. So we are checking out from this homestay, but we are coming back again on 5 and 6 to stay here. Chalo, let's go. To sumo aa gaye, hamara luggage upar rakh rahe hain aur ye sumo se hum jayenge Champai to Chaltlang to Champai. So guys, ye raha hamara sumo. Yahan par Mizoram mein aisa sumo zyada chalta hai aur taxi, four wheeler और टू व्हीलर टैक्सी, और यहाँ पर ऑटो ही नहीं चलता है. तो ये है, यहाँ से दूर दूर तक डिस्टेंस जाने के लिए ऐसा सुमो गाड़ी ज्यादा चलता है. तो हमारा लगेज यहाँ पर लग रख रहे हैं और अभी हम यहाँ से अपना जर्नी शुरू करेंगे. 4 घंटा लगेगा यहाँ से, 4 से 5 घंटा लगेगा हमको पहुँचने के लिए चंपाई. लेट्स गो, सुपर एक्साइटेड. रात के 12 बज रहा है और सुमो यहाँ पर रुका है खाना खाने के लिए. मैं दिखाती हूँ आप लोगों को. देखिए, चिकन, दाल, बॉयल, पोर्क, बहुत कुछ आइटम, बहुत कुछ है यहाँ पे. ये हम लोगों का को पैसेंजर्स है और ये ड्राइवर भैया है टिया. हम लोग सब साथ में बैठ के खा रहे हैं, ऐसा साथ में ही अरेंज कर दिया उन लोग. इन लोगों को किसी को भी हिंदी इंग्लिश नहीं आता है तो कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा. टिया हम दोनों भी ब्लाइंडली ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं. वी आर जस्ट सिटिंग, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग आल्सो. And what we are saying also they don't understand, but we are sharing a table together and eating. Three. R. A. इतना प्यारा है. YouTube channel का नाम pen copy लेके आया, लिख रहा है. So cute. A. Face रखना है. Face आ. You are so cute. A. Oh, thank you. D. बहुत प्यारा है लोग. D. थैंक यू. थैंकफुली यहाँ पे रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट ओनर दोनों को थोड़ा थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है. तो लाइक वाइज हम लोगों को ऐसा पूछा और बात किया और इन लोगों से भी ट्रांसलेट कर रहे हैं. तो गाइस, हमने इतना अच्छे से खाना खा लिया. टिया और मैं पहले जब वी स्टॉप हियर तो हमने सोचा था कि खाना नहीं खाएंगे, बट यहाँ पर आके जब ये डिश देखा तो इट्स सो गुड. बीफ, पोर्क, चिकन सब कुछ है एंड वेजिटेबल्स लाइक मिजो ट्रेडिशनल कुजीन जो आपको खाने मिलेंगे. एंड इट्स जस्ट लाइक पर प्लेट ओनली 200 और पूरा बुफे मिलता है. सो गुड, थैंक यू. हाँ, जितना खाना है खा सकता है और 200 rupees ओनली. तो सो गुड, ऑब्वियसली डेफिनेटली वी आर कमिंग बैक अगेन व्हाइल गोइंग बैक टू आइजोल. चिकू मैन कुक. ओ मैन कुक, ओ टेस्टी दामी चो. वेरी टेस्टी. वन मोर टाइम. Thank you very much. Thank you so much. Bye bye. Thank you. Thank you so much. See you. Okay. Hi guys. It's 1 a.m. in the morning. हम लोग चंपाई पहुंच गए finally after a really really long bumpy ride. So we reached. It looks a very nice guest house. ये है गेस्ट हाउस का नाम, अवी गेस्ट हाउस.
गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम चंपाई डिस्ट्रिक्ट. मिजोरम में देर इज 11 डिस्ट्रिक्ट इन टोटल, तो उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है ये चंपाई डिस्ट्रिक्ट, विच शेयर्स बॉर्डर विथ मणिपुर एंड विच शेयर्स बॉर्डर विथ म्यांमार इंटरनेशनल बॉर्डर. और यहाँ से म्यांमार बॉर्डर जो है ना बस आधा घंटा या एक घंटा की दूरी पे है. और कल मैं जाऊंगी म्यांमार बॉर्डर घूमने के लिए. इट विल बी अनदर एक्सपीरियंस, अनदर व्लॉग. बस अभी तो चंपाई डिस्ट्रिक्ट पे आज यहाँ पर एक्सप्लोर करने का सोचा है, बिकॉज यहाँ पर भी बहुत कुछ देखने के लिए, हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ मिजोरम और बहुत कुछ है यहाँ पर. गांव घूमने का है, मिजो एकदम ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल घूमने का है. तो आज मैं वो सब रिकॉर्ड करूंगी. मैं बस तैयार हो रही हूँ, अभी सुबह उठी हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा सनबैटिंग करने के लिए आई हूँ हेयर वॉश करके. आई एम फीलिंग सो गुड, सो गुड. मैं अभी जो गेस्ट हाउस में बैठी हूँ, इट्स सो कम्फर्टेबल आउ वी गेस्ट हाउस. जस्ट अ शाउट आउट, बिकॉज बहुत अच्छा लगा मुझे ये गेस्ट हाउस. अभी मैं लंच करूंगी. लंच करने के बाद, आज के संडे के दिन है तो सब लोग यहाँ पर गाँव में ना चर्च जाके आए हैं, तो मोस्टली एवरीथिंग इज क्लोज टूडे. बट एनी वे, गेस्ट हाउस के ओनर ने हमारे लिए अरेंज किया टैक्सी एंड अदर थिंग्स, तो टूर गाइड भी लेके घूमना सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है हिस्टोरिकल जानने के लिए. एनी वे, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग. अभी मैं लंच करूंगी, आई शो यू गाइड. यहाँ पर ऐसा कुछ दिखता है. गेस्ट हाउस ओनर इज सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू मोरो देयर. हमारा जो गेस्ट हाउस है ना, आवी गेस्ट हाउस, वहाँ के जो ओनर है दे बीन सो स्वीट, वो खुद ही आ गए हमको घुमाने के लिए. उसके डॉटर और उसके फ्रेंड्स लोग हमको खुद ही घुमाते हैं. लिटिल शाई, तो थोड़ा सा हाई कराऊंगी थोड़ा बाद में. एंड अभी यहाँ पर लेके आए हैं आई लव चंपाई लिखा है उस साइड में, और इसमें पूरा पैडी फील्ड्स है, बहुत ज़्यादा पैडी फील्ड्स है. और चंपाई जो है ना इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ मिजोरम, तो यहाँ पर बहुत सारे पैडी फील्ड्स है घूमने के लिए. एंड इट्स काइंड ऑफ सिमिलर लाइक जीरो, मुझे तो थोड़ा जीरो वाला वाइब आ रहा है. ये रहा आई लव चंपाई, यहाँ पर लिखा हुआ है. और उसके पीछे देखिए कितना सुंदर है पैडी फील्ड, बहुत ज्यादा दूर दूर तक पैडी फील्ड है. पूरा प्लेन दिखता है ना पैडी फील्ड जितना है, और उस तरफ से माउंटेन व्यू. दे आर टेकिंग अस अराउंड टुडे, थैंक यू सो मच. कलो मैं थैंक यू. गाइस हम यहाँ पर आए थे, बॉर्डर है ये देखिए, ये जो रिवर दिख रहा है, पानी छोटा सा दिख रहा है. यहाँ से इस साइड इंडिया है हम जहाँ पे हैं, और उस साइड जो है म्यांमार है. ये देखिए इस साइड पूरा म्यांमार है, तो हम ये क्रॉस करके भी म्यांमार पहुँच सकते हैं, बट यहाँ से अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पर आर्मी है. तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आर्मी लोग है तो अलाउ नहीं किया. सो दे हैव आस्क्ड अस टू यूज़ द डिफरेंट रूट. ये देखिए यहाँ पे लोग, यहाँ के इंडिया के लोग कपड़े वपड़े धो रहे. एंड दिस साइड इज म्यांमार. इट्स जस्ट दिस सिंपल रिवर, छोटा सा. तो यहाँ पर ये सब आर्मी एरिया है, यहाँ पे उन लोग यहाँ पर बैठ के देखते हैं बॉर्डर क्रॉस होते कि नहीं. देखिए लोग बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज यहाँ पर होंगे, कुछ ऐसा दिखता है, बहुत सारे रिफ्यूजीज होंगे इस साइड में. ये सब रिफ्यूजी एरिया है, ये देख सकते हो सारा रिफ्यूजी है. जो लोग भी मतलब इमिग्रेंट्स हैं फ्रॉम द म्यांमार साइड, यहाँ पर आके बैठ गए रिफ्यूजी कैंप में. ओई ये देखिए सारा रिफ्यूजीज है यहाँ पे, ऐसा टेंट टेंट बना के बैठे हैं. गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज अनदर डे. तो आज हम आए हैं यहाँ पर जोकाथर विलेज, विच इज द लास्ट विलेज हेयर फ्रॉम मिजोरम. इंडो म्यांमार बॉर्डर यहाँ से पड़ता है, यह देखते हैं इंडो म्यांमार बॉर्डर. और ये मेरे सेकेंड टाइम होंगे इंडो म्यांमार बॉर्डर क्रॉस करने वाला. फर्स्ट वॉज फ्रॉम लोंगवा विलेज फ्रॉम मोन डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड, एंड दिस इज द सेकेंड टाइम फ्रॉम मिजोरम, लास्ट विलेज इन जोकाथर विलेज. एंड मेरे साथ है जॉन. हाय, इज द प्रोफेशनल टूर गाइड हियर फ्रॉम चंपाई से है. एंड टिया से हाय. हेलो. तो अगर आप लोग लाइक बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ऐसे बॉर्डर में जाते हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को अपना सेफ्टी भी देखने के लिए. एंड सिंस आप लोगों को पता है म्यांमार का जो अनरेस्ट पॉलिटिकल होते रहता है, चलते रहता है, तो उसकी वजह से वी हैव जॉन विद अस हु विल गाइड अस थ्रू आउट आवर ट्रिप फ्रॉम देयर. मतलब रीदिल लेक तक लेके जाएंगे, फिर वापस भी यहाँ पर हमको अपने गेस्ट हाउस में ड्रॉप करेंगे, तो ये भी देखना होता है. एंड हमने 6 आवर्स के लिए बुक किया, विच कॉस्ट 4,000 रुपीज फॉर 6 आवर्स. तो गाइस ये देखिए, ये है वो गेट जहाँ से हम क्रॉस करेंगे.
और म्यांमार पहुंचेंगे। तो ये ब्रिज क्रॉस करते हैं तो उस तरफ म्यांमार है। हमने कार इधर पार्क कर दिया, कार लेके जाना अलाउड नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए इमिग्रेशन चेक पोस्ट यहाँ पर है, और यह है इंडिया का गेट, और उस पार में है म्यांमार। सुपर इंटरेस्टिंग। देखिए यहाँ पे लोग ऐसे आराम से क्रॉस करके भी जाते हैं, वापस आते हैं, ये क्योंकि 16 किलोमीटर तक आगे तक जाना अलाउड है और फिर जाके आ सकते हैं। देखिए अभी हम ये क्रॉस करेंगे। देखिए जैसे हम ये गेट क्रॉस किया तो हम पहुंच गए हैं म्यांमार। वाओ, दिस इज माय 11th इंटरनेशनल ट्रिप लैंड बॉर्डर। तो गाइस इतना वियर्ड सा है ना, लाइक इट्स सो इमोशनल एट द सेम टाइम कि बॉर्डर क्रॉस करते ही हम दूसरा जगह, दूसरा लैंग्वेज, एवरीथिंग इज डिफरेंट, ऐसे पहुंच जाते हैं अलग ही कंट्री। ये ब्रिज जो है ना, ये ब्रिज क्रॉस करते ही हम म्यांमार पहुंचेंगे। तो यहाँ देखिए, ये देखिए, और यहाँ पर इस साइड में जो भी रहते हैं ना, इन लोग अच्छा यहाँ पर अभी हम करेंसी एक्सचेंज करेंगे। तो डिफरेंस है 37 रुपीस का डिफरेंस है, तो इंडिया करेंसी 37 रुपीस ज़्यादा है उनके करेंसी से। तो मुझे 1000 रुपीस उनका एक्सचेंज करके देख कितना मिल रहा है देखते हैं। मैं 1000 रुपीस सिर्फ यूज़ करके वापस चली जाऊँगी, कुछ कुछ चीज़ें खरीदूँगी यहाँ से, बहुत कुछ मिलेगा अच्छा अच्छा चीज़ें, खाने पीने का सामान। हाँ, थैंक यू इतना प्यारा है, वेरी फ्रेंडली पीपल। कितना मिला दिखाती हूँ गाइस, टोटल मुझे 37,000 मिला। ये जो ब्लू वाला नोट दिख रहा है ये 10,000 नोट है, और ये ग्रीन वाला जो है ये 1,000 नोट है। तो 37,000 नोट मिला। ओके और गाइस यहाँ पर इस साइड में जो लोग भी रहते हैं ना, इस साइड पे अभी ये जो मैंने बॉर्डर क्रॉस करते ही इस साइड में जो बैठा, यहाँ के लोगों को मिजो लैंग्वेज भी आते हैं। यहाँ के लोग भी जो ट्राइब हैं, बस वो एक ही जब पार्टीशन हुए थे तो उन लोग बिचर गए, अपने ब्रदर सिस्टर उस तरफ इंडिया के साइड पे रह गया, उन लोग इस साइड रह गया, तो दे कैन कनेक्ट अ लॉट। ये देखिए दुकान में ये जो भी लिखा है अभी बर्मीस में लिखा है। हेलो 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 हेलो, यू नो इंग्लिश हिंदी? नो नहीं जानता लैंग्वेज। और यहाँ पर वो कुछ स्ट्रीट फूड बेच रहे हैं, ये देखिए कुछ ऐसा है। ओ नाइस, वेरी नाइस, बाय बाय। कैसे जा रहे हैं अभी हम लोग? एक्चुअली अभी रिदिल लेक जाएंगे। रिदिल लेक वॉज वंस अपॉन अ टाइम इनसाइड द इंडिया बॉर्डर, बट अभी म्यांमार बॉर्डर के पास है जब ब्रिटिश ने सेपरेट किया था। तो गाइस ये जो है ना, ये फ्लैग ये है चिन हिल्स का फ्लैग है। यहाँ पर जब आर्मी के साथ उन लोगों का फाइट हुआ था उस समय यहाँ पे चिन हिल्स लोग ने अपना फ्लैग लगा दिया और म्यांमार का फ्लैग उतार दिया, और चिन हिल्स एरिया बोलते हैं। देखिए यहाँ पर वाइन स्टोर है, यहाँ पर अल्कोहल बहुत सस्ता मतलब म्यांमार रेट में मिल जाता है, तो यहाँ पर बहुत लोग बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ से खरीदते हैं। और ये टैक्सी अभी हम लेंगे, और ये टैक्सी से अभी हम जाएंगे। तो गाइस अभी हम यहाँ का टैक्सी ले लिया है और जा रहे हैं रिदिल लेक। हम अपना गाड़ी यहाँ पर क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि वो इंडिया के अंदर है, इंडिया का गाड़ी है, तो इसलिए यहाँ का गाड़ी लेके जा रहे हैं। मिजोरम के लोग कंसिडर करते कि रिदिल लेक जो है मिजोरम का सबसे लार्जेस्ट लेक है, कंसिडर करते हैं। तो चलिए चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे जा के दिखाती हूँ आप लोगों को रिदिल लेक। यहाँ पर ऐसा है, ऐसा चलता है, राइट साइड में गाड़ी चलाता है और फिर इस साइड में जाता है, उस साइड से जो आ रहे हैं इस साइड से आते हैं, इस साइड से जाते हैं। तो गाइस हम पहुंच गए हैं रिदिल लेक। देखिए ये हार्ट शेप में है, इतना ब्यूटीफुल है, और ये नेचुरली फॉर्म्ड हुए है। इसमें फोक लोर है जो कि मिजो फोक टेल बोलते हैं। इट इज सेड दैट द नेम ऑफ री डिराइव्स फ्रॉम अ फेमस मिजो फोक टेल। रिदिल इज अ मैजिकल प्लेस दैट इज सेड टू हैव बीन फॉर्म्ड बाय अ यंग गर्ल नेम्ड री। शी हैड अ ट्रेजिक स्टोरी, हर फादर किल्ड हर यंगर सिस्टर एट हर स्टेप मदर्स रिक्वेस्ट। तो ये है ट्रेजिक स्टोरी जो है। तो शी वॉज लेफ्ट हार्ट ब्रोकन एंड देन दिस वॉज दिस लेक वॉज फॉर्म्ड by री, हार्ट शेप में है, इट्स ब्यूटिफुल। तो अभी सब लोग बोल रहे कि इट्स नॉट द बेस्ट टाइम टू विजिट मिजोरम नाउ, अभी ऑफ सीजन है तो इसलिए इतना सुंदर से नहीं दिख रहा। मार्च एंड अक्टूबर नवंबर उस समय में बेस्ट टाइम होता है क्योंकि बहुत सुंदर होता है, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी भी दिखता है यहाँ से। अभी इतना जितना सुंदर है उतना जस्टिस नहीं कर रहा है क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम टू विजिट नाउ, बट एनी वे मैं बहुत ज़्यादा इसका वीडियोज देखा था यूट्यूब में एंड बहुत ज़्यादा ट्रैवल ब्लॉगर्स का देखा एंड आई वॉज मैनिफेस्टिंग दिस ट्रिप। बहुत अच्छा लगा अभी यहाँ पर पहुँच के, बिकॉज ऑफकोर्स अभी दिस कम्स अंडर म्यांमार, चीन स्टेट ऑफ म्यांमार। तो मिजोरम के भी ये सबसे बड़ा लेक में
बोलते हैं, दे कंसिडर दिस लेक टू बी अ पार्ट ऑफ मिजोरम बट नाउ अंडर म्यांमार, तो विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू बी हियर। जी देखिए, टाइम जोन भी अभी भी सेम है, ये इंडिया टाइम ही चल रहा है अभी। एक्चुअली म्यांमार और इंडिया का टाइम जोन है 1 आवर डिफरेंस। जब हम लोग लोंगवा गए थे, लोंगवा इंडो म्यांमार बॉर्डर, तो वहां पर टाइम जोन भी हमारा 1 घंटा आगे हो गया था, और हम सोच रहे थे अरे क्यों टाइम जोन अलग हो गया, तब पता चला कि ओके म्यांमार का टाइम जोन आ गया था फोन में। बट नाउ यहाँ पे हम लोग अंदर म्यांमार में होने के बाद भी हमारा जो टाइम जोन है इट्स स्टिल इंडिया टाइम। ब्यूटीफुल। फिर भी टूरिस्ट लोग ऐसा करते हैं, देखिए पूरा गंदा करके जाते हैं, जितना भी टूरिस्ट आते हैं ऐसा कचरा करके जाते हैं। सो सैड टू सी दैट, यहाँ पर इतना सुंदर व्यू है, लोग सुंदर व्यू एंजॉय करते हैं और कचरा इधर ऐसा फेंक के जाते हैं। दिस इज सो बैड, सो बैड। अपेरेंटली गाइस, ये जो जोकातार है ना, जोकातार टैक्सी है, दिस इज मिजोरम टैक्सी ओनली। जोकातार इज द लास्ट विलेज ऑफ मिजोरम इंडो म्यांमार बॉर्डर का, एंड इसमें भी मिजोरम नंबर प्लेट है, बट यू कैन नॉट ब्रिंग योर ओन कार। मिजोरम को कोई भी पार्ट कार यू कैन नॉट ब्रिंग, ओनली यू कैन टेक दिस जोकातार टैक्सी टू कम इन साइड हियर, लाइक यहाँ पे म्यांमार के अंदर में, बिकॉज दे हैव द परमिट ओनली टू कम हियर। तो अपना गाड़ी को उधर पार्क करके हम ये जोकातार टैक्सी लेके आए। और ये जितना भी बिल्डिंग देख रहे ना, ये सारा स्कूल्स थे उस समय, बट जब मिलिट्री वार हुआ था ना तो उस समय ये बंद हो गया। अभी दिस इज ऑल अबैंडन्ड स्कूल, लुक सो सैड, पूरा अबैंडन्ड हो गया। द बॉर्डर इन ए चिन हिल्स मिजोरम साइड, इन दिस साइड एंड इन दिस साइड, ब्रदर एंड सिस्टर इज हियर इन द चिन हिल्स, मेनी पीपल हियर इन द चिन हिल्स। So this Chin Hills people are all Mizos, right? Yeah. Mizo tribe. But it's just that they have to follow the Myanmar rule because they live inside the border of Myanmar, right? Yeah. Okay. तो बात ऐसा है कि अभी यहाँ पर जितने भी दूर दूर तक ये गांव दिख रहे हैं, रे दिल के एरिया तक का, ये सारे लोग जो है मिजो लोग हैं। और अभी तो बॉर्डर की वजह से ब्रिटिश ने जो डिवाइड करके गया है, बॉर्डर की वजह से उन लोगों को म्यांमार पे रहना पड़ता है, म्यांमार के रूल्स, म्यांमार के लोग जैसा रहना पड़ता है, बट एक्चुअली दे आर ऑल मिजोस चिन हिल्स पीपल। तो बहुत ही इमोशनल और दुखी भी है ऐसा देखे, क्योंकि ब्रदर एंड सिस्टर गॉट सेपरेटेड टाइप हो गए ना। Everything is collapsed now because the civil war. They come and they run in border in Jokhatar. ये पूरा खराब, पूरा abandoned हो गया। Yeah, this cottage also. Nobody lives here, right? Yeah. ओके, दैट्स सो सैड। जब सिविल वॉर हुआ था तो यहाँ पे लोग जो रहते थे वो सब हमारे उधर मिजोरम के साइड जोकातार, जो मैंने आप लोगों को दिखाया, जहाँ पर सब रेफ्यूजी कैंप्स दिखाए ना, यहाँ के लोग थे, सब उस साइड भाग गए जब सिविल वॉर हुए थे, और अपने जान बचाने के लिए ऑफकोर्स, और वहाँ पर अभी इमिग्रेंट्स बन के बैठ गए, रेफ्यूजी बन के बैठ गए। और यहाँ पर सिविल वॉर के समय पूरा ऐसा अबैंडन हो गया, जो पूरा गांव अबैंडन हो गया, इतने सारे कॉटेज, स्कूल सब बंद हो गए। और अभी हम ये लेक को देखने आए, सामने से देखने आए, ऊपर से देखने से दिखता है कि ये हार्ट शेप्ड है, बट यहाँ से सामने से आने से ऐसा नहीं दिखता है कि इट्स अ हार्ट शेप्ड। चिन स्टेट इज कंसिडर्ड एज लैंड ऑफ मिजोस, बट यही है कि अभी डिवाइड करने के समय, जब कॉलोनाइजेशन में डिवाइड हुआ था ब्रिटिशर्स बाय ब्रिटिशर्स, तो इट केम अंडर अभी डिमार्केशन में, इट्स अंडर म्यांमार नाउ, तो इसीलिए ऐसा है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड बट यस इट्स इंटरेस्टिंग। और अभी हम आ गए हैं 8 किलोमीटर्स अंदर, इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके 8 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है ऑफकोर्स, लाइक इंडिया में नहीं है फिर भी इंडिया में है जैसा फील कर रहा है ऑफकोर्स। एंड आई फील वेरी सॉरी फॉर द पीपल हु हैव सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस सिविल वॉर जो है, क्योंकि देख के भी बहुत ही मोरम लगा द रेफ्यूजीज लिविंग देयर। एंड उन लोग इंडिया में जब भी आया 2020, 2021, 2019 उस समय बिफोर द कोविड हैपेंड, एंड कोविड की वजह से उन लोगों को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा एज अ रेफ्यूजी इन इंडिया। एंड यहाँ पर जो घर, जो अबैंडन घर दिख रहे, It's making my heart so sad because जब सिविल वॉर हुआ था तो कितना तकलीफ हुआ होगा उन लोगों के लिए। एंड ऑल्सो इट्स वियर्ड गाइज कि हम लोग बिना पासपोर्ट, बिना कुछ भी डॉक्यूमेंट साइन करके हमको सीधा बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर लेके आए हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने से भी आपको अपना आधार कार्ड दिखा के, आप इलेक्शन आईडी दिखा के क्रॉस करना होता है, इवन भूटान बॉर्डर क्रॉस करने से भी आपको अपना इलेक्शन आईडी, कुछ कुछ फॉर्म साइन करके जाना होता है, इवन इनसाइड इंडिया में रह के भी अपना मिजोरम में आने के लिए भी इनर लाइन परमिट, मणिपुर में भी, नागालैंड में भी, अरुणाचल में भी इनर लाइन परमिट यूज करते हैं। यहाँ पर आके, मिजोरम में आके देखिए, हम लोग बिना पासपोर्ट, बिना इलेक्शन आईडी, बिना आधार कार्ड दिखा के हम लोग यहाँ पर एक दूसरे कंट्री के अंदर आ गए हैं। सो या चिन स्टेट ऑफ म्यांमार बट स्टिल इनसाइड म्यांमार, सो इट्स अ होल लॉट ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड सो मच ऑफ लर्निंग आई गॉट टुडे। लॉट्स ऑफ लर्निंग्स इज देयर इन दिस वीडियो, तो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। यस,
this is a ram luwak, golden jubilee. They in here. Yeah. The Bizarre peoples in 1942, they built 15 years golden jubilee. Oh. In 1942. Okay. 15 years. Golden jubilee. Day. Okay. So ye hai stone graving. 1942 के समय का है ये देखिए, before the obviously before India got independence, it was still under British rule that time. तो guys civil war से पहले यहाँ पर एक restaurant हुआ करता था, क्योंकि यहाँ ये तो एक tourist spot है ना, तो यहाँ पर restaurant हुआ करता था, but it's no more now. But वहाँ पर I can see a lady still selling something, so let's go and check out. Moromna, यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पर बगान भी कर रहे हैं, सब्जी तोड़ रहे हैं. Hello sister. हेलो हाय. सब्जी ले रहा है, सरसों का पत्ता. ये देखिए, ओ यहाँ पर दुकान है, देखिए. हेलो देखो उन लोग मिजो बोलते हैं, उन लोग आपस में मिजो में कम्युनिकेट करते हैं. कितना मोरम है ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान में भी जैसे हुआ था ना, पार्टीशन हो गए थे, फिर भी बहुत सारे फैमिलीज गोट डिवाइडेड, वैसे ही इधर भी सेम कहानी है. सो क्यूट. गाइस यहाँ पर जब वॉर हुआ था, ये पूरा यहाँ के लोग पीपल्स आर्मी के डेड बॉडीज यहाँ पर, ये माउंटेन में बहुत सारा है. किसी का प्रॉपर बरियल फंक्शन नहीं हुआ, ऐसे ही डिकम्पोज हो गया, ऐसा है. सो सैड. ये एरिया पे मतलब बहुत ज्यादा बोन्स स्कल्स देखने को मिलेंगे अंदर जाएंगे तो यहाँ पर. नाउ वी आर गोइंग बैक टू द मार्केट. तो गाइस हम मार्केट वापस पहुँच गए हैं और मुझे खाना यहाँ का सी फूड नूडल्स, जो कि थोड़ा बर्मीस ट्रेडिशनल खाने मन है. तो यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे जाते अंदर. वाओ वेरी नाइस, एकदम बर्मीस फिनिशिंग है. यहाँ पर लोगों को ना हिंदी आते ना इंग्लिश आते हैं, तो हमारा गाइड इजीली हेल्प आता है ट्रांसलेट करने के लिए. यहाँ पर देखिए हम ऑर्डर कर रहे हैं, देखिए ऐसा है मेन्यू इतना बड़ा से, तो यहाँ पर देख के हम चूज कर रहे हैं क्या खाना है. This is the first time I did an exchange currency thing, and I feel nice and I feel rich. Although this is around 40-50,000, if I convert this to Indian rupees, it's just around 1,500. However, I feel rich holding 30-40,000. तो ये देखिए, ये है 10,000 notes, और ये है 5,000 notes, और ये है 1,000 notes. सबके pictures अलग है, color अलग है, देखिए. तो गाइस हमने ये ऑर्डर किया है, ये फिश तो मैंने थाईलैंड में खाया था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, थाईलैंड और सिंगापुर दोनों में. इन लोग यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन डिश बहुत फेमस होता है, ये फिश स्टाइल से बहुत बहुत टेस्टी और हेल्दी है. एंड देन ये रामेन ऑर्डर किया, चिकन रामेन विद लॉट ऑफ वेजिटेबल्स. व्हाट आर यू हैविंग डियर? यू डोंट नो ना, ये है ग्लास नूडल्स, ये भी वियतनामीज नूडल जैसा है, वेरी फेमस टेस्टी है. और ये हमारा जॉन गाइड. What are you having? Fried rice. Fried rice, no? Okay. तो गाइस हमने लंच कर लिया. लंच वॉज रियली रियली नाइस, बहुत हेल्दी था, टेस्टी था. और वो दैट कॉस्टेड अस लाइक 2,000 रुपीज, इंडियन रुपीज. तो अभी हम आए हैं यहाँ पर दुकान पे, यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा क्या क्या यहाँ का देसी देसी चिप्स वगैरह है, कॉफ़ी इंस्टेंट मिक्स वगैरह, वो सब लेके जाऊँगी, फिर इंडिया वापस जाऊँगी. देखिए यहाँ पर ऐसा दुकान है, तो यहाँ पर ना मुझे क्या अच्छा लगता है, दे हैव दिस 3-in-1 इंस्टेंट कॉफ़ी, 3-in-1 इंस्टेंट चाय, ऐसा ऐसा है, टी प्लस ये भी है. तो मैं ये सब ले लूँगी थोड़ा थोड़ा, और कुछ कुछ टेस्टी वाला चिप्स वगैरह लूँगी. जो यहाँ पर देखिए, ये सब तो इंडिया में भी मिलता है, बट यहाँ पर म्यांमार लिखा हुआ है, म्यांमार से बर्मीस लिखा हुआ है. एंड देन नूडल्स, ये है शान मिक्स नूडल, बट नो पॉइंट ना अगर नूडल बनाने नहीं आता है, लेकिन अंदर मसाला दिया हुआ है, टेस्टी हो सकता है. और क्या क्या लेना है देखती हूँ, ये सब भी है कुछ कुछ. तो गाइस मैंने थोड़ा बहुत शॉपिंग किया है, बस 581 रुपीस में मुझे ये टी मिक्स वाला मिल गया. कॉफ़ी मिक्स तो वैसे भी मेरे पास बहुत सारा है, थाई वाला, वियतनाम वाला, तो ये टी वाला मेरे पास नहीं था. सो Whenever I travel international, I'll carry this so that instant है ना, 3-in-1 instant चाय है. ये बहुत टेस्टी लगा मुझे, होटल में किया था मैंने, ये वाला एक और ये वाला एक लिया, 250 rupees 250 rupees 500, और ऐसे छोटा मोटा चीज़ें 81 rupees का लिया. 500 rupees में इतना कुछ मिल गया,
यहाँ से अभी खुशी खुशी जाऊंगी मैं। ये यहाँ पर जितना बड़ा बड़ा ट्रक दिख रहा है सारा लोड कर रहा है सामान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, यहाँ से लोड करके उस तरफ इंडिया तरफ में लेके जाता है। देखिए यहाँ पर मेजर ट्रेडिंग होता है, ये ब्रिज इज द कनेक्टिविटी। हाय हाय सेल्फी ले लो बोल रहा था, सेल्फी ले लिया। हाय तो यहाँ पर यहाँ का लोकल वाइन स्टोर है, देखिए यहाँ पे बहुत लोग बोले कि यहाँ का बियर बहुत टेस्टी है, तो मैं यहाँ का बियर लेके जाऊंगी, फ्रूट बियर। तो गाइस ये है म्यांमार का बियर, ये मैंने ऐसे सुविनियर के लिए लिया है, प्रोडक्ट ऑफ म्यांमार। ये देखिए 100 रुपीज है एक बियर का, और ये दोनों मिला के 200 रुपीज, और क्यात में 8000 क्यात है, ये 8000 क्यात। ये जो आदमी बीरी पी रहा है देखिए, यहाँ का लोकल म्यांमार बीरी है, इतना मोटा है। एंड यहाँ पर स्मोकिंग इज वेरी कॉमन, छोटा छोटा बच्चे से लेके बूढ़ा बूढ़ा तक सब लोग स्मोकिंग करता है, उन लोग बोलते हैं कि स्मोकिंग इज वेरी नॉर्मल। यहाँ पे जितने भी व्हीकल्स है सारे जापान कंपनी का है। देखिए यहाँ पे ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, दुकान होता होगा उन लोगों का उस साइड में, तो यहाँ से सामान लेके उस तरफ जा रहे हैं। तो गाइस ये देखिए हम इंडिया वापस आ गए, वेलकम टू इंडिया। हेलो, ओह सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए यहाँ पे स्ट्रीट फूड, सो गुड। दिस इज लॉट ऑफ खाना भी सिमिलर टू स्वीट थाई ना, यहाँ पे भी इन लोग पपाया सैलेड, ये देखिए बहुत पसंद करते हैं वो लोग, पपाया सैलेड बेच रहे हैं। थाई कुजीन एंड बर्मीज कुजीन सब मिक्स होके हम लोग, मुझे लगता है। हाँ दिस तो इज मैंगो ओनली, दिस इज मैंगो, दैट वन, दिस इज पपाया सैलेड, दिस वन इट्स वेरी फेमस तो इन थाई, थाई सैलेड स्पाइसी होता है फॉर देम ना, पपाया सैलेड। 50, 2 piece, 50. 50. ये था हमारा चंपाई ट्रिप हो गया, हमारा जोकादार चंपाई ट्रिप हो गया है। अभी यहाँ से हम लोग वापस सुमो बुक कर लिया, जैसे आए थे वैसे बुक कर लिया, 700 रुपीज पर सीट इन सुमो, और ये सुमो से हम जाएंगे वापस आइजोल, विच विल टेक लाइक 5 to 6 आवर्स फॉर अस टू रीच बैक। पता नहीं आते समय तो 8 घंटा लग गया था बिकॉज आर सुमो ब्रोक डाउन ट्वाइस, बट अभी आई एम होपिंग कि 12 बजे रात से पहले पहुंचे। सो या कल आप लोगों को आइजोल पहुंच के आप लोगों को दिखाती हूँ, ब्लॉग एंड करेंगे। तो लकीली हमको मिला फ्रंट सीट मिला, तो हम दोनों फ्रंट सीट में बैठ के जाएंगे।